अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग? क्या हाल चाल है? आपकी उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज का व्लॉग है ना, वो हम सुबह से स्टार्ट करें। सुबह तो नहीं, यानी 12 बजे से पहले का टाइम था, 11 बजे का ना। और इस वक्त मैं बना रही थी खाना, और आज हम बना रहे थे खाने में बड़े सिंपल से दाल चावल, क्योंकि इतनी गर्मी आ गई है ना, कुछ हैवी खाने को अब दिल नहीं करता। बंदे का दिल करता बड़ी लाइट लाइट सी चीज़ें हों। आज जो मैंने दाल बनाई थी ना, वो मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई थी, और ये इतने मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। सबको घर में बहुत पसंद आई थी, अब्बू को, अम्मी को, सबको बहुत पसंद आई। अब्बू कह रहे थे बल्कि ना अब नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही दाल बनाया करो, बहुत मज़े की बनी थी। इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया, साबुत लाल मिर्च ऐड की, उन्हें मैंने कड़कड़ा लिया। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसे डाल दी, उसे हम ब्राउन करेंगे। दूसरी साइड पर मैंने 1 पाव मूँगी मसरी की दाल ली थी, मिक्स थी मूँगी मसरी की दाल ना, जो मिला के 1 पाव थी। और 1 मुट्ठी मैंने इसमें चने की दाल ऐड की थी, यानी 4 टेबलस्पून चने की दाल मैंने इसके अंदर ऐड की थी। 3 हरी मिर्ची ऐड की थी और 1 टीस्पून हल्दी ऐड की थी। ये 4 चीज़ें थी, और इसे डालकर मैंने प्रेशर कुकर में दाल को पानी डाल के गलने के लिए छोड़ दिया था। मैं दाल को हमेशा प्रेशर कुकर में गलाती हूँ, उससे ना दाल बड़ी अच्छी मैशी मैशी सी, और 15 मिनट लगते और दाल जो है वो गल जाती है। बस 3 मिक्स दालें थी इसके अंदर, मूँगी मसरी और चना दाल। मसरी जो ऑरेंज वाली मसूर की दाल नहीं होती, वो वाली दाल मैंने ली थी। यहाँ पे जैसे ही प्याज जो है ना वो ब्राउन हो जाएगी, इसके अंदर मैं फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को ना हम थोड़ा सा जो है वो फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ये मेरे पास 2 बड़े टमाटर थे, या 3 मीडियम साइज जितने आप टमाटर ले लो, उसे आपने ऐड कर देना है। और टमाटर को डाल के आपने अच्छे से फ्राई करना, इतना कि टमाटर मैशी मैशी से ना इसके अंदर हो जाए, अच्छा सा जो मसाला है ना वो इसका भुन जाए। अच्छा, बहुत से लोग ना मुझसे रोज़ों की चीज़ों का कहते हैं, रमज़ान के आप ये आइटम बता दे फ्रीजिंग वाले ना। यार वो रमज़ान की तैयारी ना हम 20 मार्च के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रोज़ा तो 3-4 अप्रैल का होगा ना, तो 20 मार्च के बाद से हम रमज़ान की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम है ना काफ़ी, क्योंकि अभी तो 15 शुबान है मेरे ख्याल से, सैटरडे को 15 शुबान है, तो उसके बाद से ना हम फिर रमज़ान की तैयारी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जैसे टमाटर थोड़े से गल गए थे ना, मैंने इसमें बेसिक से मसाले ऐड किए, जिसमें नमक, रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड किया। इसे डाल के आपने अच्छे से भून लेना, इतना कि टमाटर बिल्कुल पेस्ट बन जाए ना टमाटर का। उसके बाद जो हमने दाल वो गला के रखी हुई थी, वो दाल हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने थोड़ी दाल को ना लिक्विड ही रखा, ताकि मैं थोड़ी देर ना इसमें पकाऊंगी तो फिर ये गाढ़ी गाढ़ी सी दाल हो जाएगी। अमूमन हम जो दाल बनाते हैं ना वो दूसरी तरह से बॉयल करके और फिर तड़का लगा कर बनाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाई थी और ये बहुत मज़े की बनी थी। और जो लोग कहते हैं ना आप ही अब बेसिक खानों की भी रेसिपी दे दिया करें, तो वो भी मैं अब दे देती हूँ। वरना बहुत से लोग कहते हैं आप ही अब बहुत चिकन शिकन बनाती होती, अब तो आजकल मैं काफ़ी टाइम से चिकन ही बना रही हूँ। उसके बाद जो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून इमली का पल्प ऐड किया है, यानी गाढ़ा गाढ़ा सा आपने इमली का पल्प ऐड करना है। इसमें 6-7 मैंने इसमें पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं, पुदीने के पत्ते से ना बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और आधी गड्ढी मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया, यानी खूब सारा हरा धनिया आपने ऐड करना है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड किया और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया। बस अब मैं इसे कवर करके ना 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी, और जो दाल है ना वो गल जाएगी। अमूमन हम दालों में कसूरी मेथी या इमली का पल्प ऐड नहीं करते, लेकिन इतनी कोई खुशबू आई थी कसूरी मेथी के डालने से और इमली के पल्प से ना बड़ा मज़े का खट्टा खट्टा सा ना फ्लेवर हो गया था। लेकिन दाल बहुत खट्टी नहीं हुई थी, खट्टी बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल ठीक दाल थी, बल्कि बहुत अच्छा फ्लेवर हो गया था इसका। और ये देखिए, ये है दाल की फाइनल लुक, और अभी ये जब ठंडी होगी ना मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, और ये बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बड़ी बेसिक सी रेसिपी है, बस उसी रेसिपी को थोड़ा सा अल्टर कर मैंने बनाया। आप में से शायद बहुत से लोग इस तरीके से दाल बनाते हो, लेकिन ये बहुत मज़े की बनी थी। अब जब आपने नेक्स्ट टाइम दाल बनानी हो ना, आपने यही वाली दाल बनानी हो, और फिर मेरे साथ ना फीडबैक शेयर करने की कैसी बनी। और इसके साथ मैंने राइस बॉयल कर लिए थे, क्योंकि मेरे से दाल जो है ना वो रोटी के साथ नहीं खाई जाती। बाकी अब्बू रोटी के साथ खाते हैं, अम्मी राइस और रोटी दोनों के साथ खाती हैं, लेकिन मैं दाल रोटी के साथ नहीं खा सकती, मुझे बिल्कुल रोटी के साथ दाल अच्छी नहीं लगती। मैं सिर्फ बॉयल राइस के साथ दाल खाती हूँ, मुझे रोटी से ज़्यादा ना राइस के साथ दाल अच्छी लगती है। आप लोग बताएं, आप लोग किसके साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, राइस के साथ या रोटी के साथ?
ये टाइम है जी शाम के 6 बजे को। इस टाइम जो है ना मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह निकालनी थी, क्योंकि रात को 9 बजे ना हमें जाना था मेहंदी पे, रिलेटिव्स में शादी है तो वहाँ पे जाना है। आज उधर मेहंदी भी है, सहराबंदी भी, यानी एक ही दिन में कंबाइंड फंक्शन है, क्योंकि उनकी जो बारात है ना वो कराची जानी है कल, तो इसी वजह से आज मेहंदी भी है और सहराबंदी भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो गर्मियों में ना कोई फंक्शन अटेंड करने का ना दिल नहीं करता है, क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना बंदे का, ना तो कोई फैंसी कपड़े पहनने को दिल करता है, ना ज्वेलरी वगैरह, ना मेकअप करने को दिल करता है बिल्कुल भी। और मेरी ना वैसी तबीयत डाउन थी, मेरा ना बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर अब्बू भी जा रहे थे, अम्मी भी जा रही थी, छोटी बहन भी जा रही थी। मैं कहा मैं घर में अकेली रहकर क्या करूंगी, मैं कहा चलो फिर मैं भी चली जाती हूँ। मैंने कहा घर में रहकर मैंने बोर ही होना है, क्योंकि सब तो जा रहे हैं, इससे बेटर है मैं साथ ही चली जाऊँ। यहाँ पे ना मैं अपने इयररिंग्स ढूंढ रही हूँ सूट के साथ जो जाने हैं ना, तो वो मुझे मिल ही नहीं रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैंने कहाँ पे रख दिया ना। तो फिर मैंने पूरा छान मारा, सारी चीज़ें इधर से उधर बिखेर दी हैं मैंने, तो फिर ये मुझे फाइनली मिल गए हैं। यही वाली जो इयररिंग्स है ना, यही मेरे ड्रेस के साथ जाएंगे, यही आज पहनूंगी, इन्हें मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पहना है। ये वाला ड्रेस निकाला था मैंने पहनने के लिए ना, और ये वाला ड्रेस न्यू नहीं है, मैंने पहना 2-3 इवेंट्स पे ना, शायद मैंने आपको दिखाया भी है व्लॉग में। और क्योंकि आपको पता है मेरी तो खुद की शादी है, कुछ मंथ बाद रुक सकती है, तो इसलिए मैं जितने भी कपड़े बनवाती हूँ ना, मैंने सारे कपड़े इस दफ़ा जहेज वाले बनवाए थे, और वो उठा उठा कर मैंने सारे उसमें रख दिए हैं। तो अपने दूसरे कपड़े तो इस दफ़ा मैंने बनाए नहीं है, तो इसलिए मुझे आजकल पुराने कपड़ों पर ही गुजारा करना पड़ता है कहीं भी जाऊँ तो। चलिए जी, बस अब हम तैयार होते हैं और उसके बाद जो है वो हम फंक्शन पर जाएंगे। और यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे, ये 9:30 बजे का टाइम है, क्योंकि मेहंदी का इवेंट था ना, तो टाइम भी वैसे 8:30 बजे का था, तो हम 9:30 बजे ही आए थे, क्योंकि आज हम काफ़ी लेट हो गए थे। लेकिन जब हम आए थे ना, तब भी इतना ज़्यादा फंक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मेहंदी जो होती है वो होती ही लेट है स्टार्ट। ये है ड्रेस जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया था पहना हुआ, क्योंकि उस वक्त हम जल्दी जल्दी में निकले थे और मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि आप मुझे 2 दफ़ा मेकअप करना पड़ा है, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ आज। एक दफ़ा मेकअप किया मैंने तो मेरी आँख में ना लाइनर चला गया और पूरी आँख से आंसू आने लग गए, काले काले आंसू ना, सारा मेकअप काला काला हो गया। फिर मुझे वॉश करना पड़ा, फिर मुझे दोबारा करना पड़ा, मुझे इतना कोई टाइम लग गया ना आज, वरना इस वजह से वरना मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाती मैंने कैसे मेकअप किया था। चले नेक्स्ट टाइम जो है वो कर लूँगी। तो इसलिए यार मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया, बस जल्दी जल्दी से तैयार हो और फिर फटाफट से हम चले गए। जो है ना वो मैं इवेंट से घर आई, वो हालत आप मेरी देख सकते हैं, जो है बुरा हाल हो है, सारा काजल जो लगा हुआ था ना, सारा काजल जो है वो फैल चुका है, मत मर गई है। अब तो मेकअप दिखाने के भी काबिल नहीं रहा, मैंने क्या कर रखा था, जो है सारे बुरा हाल हुआ हुआ है, इतनी कोई थकावट हुई हुई है। हम कितने जगह गए थे, हम 9:30 बजे गए थे, और जो है ना
हम अब क्या टाइम हो रहा था, 12:15 बजे ना, 12 सॉरी 12 बजे हम लोग अपने घर पहुंचे हैं। और मत पूछे भाई, बड़ी थकावट हुई है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है भाई। मार्च में जो लोग शादी कर रहे हैं ना भाई, हिम्मत है, अब तो ऐसा लग रहा है मार्च नहीं है, जुलाई बन गई है। इतनी कोई गर्मी आ गई, इतनी गर्मी आ गई है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं है ना। ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आपको पता है जब आप किसी के इवेंट पे गए हुए होते हैं ना, तो बहुत से लोग फेस दिखा देते हैं, पब्लिक में उन्हें इशू नहीं होता। क्योंकि मैं जिनका भी फेस पब्लिक में दिखाती हूँ ना, मैं पहले उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको इशू तो नहीं है, तो इस वजह से ना उन्हीं का मैं दिखाती हूँ। लेकिन कुछ को इशू होता है तो फिर मुझे उन्हें क्रॉप करना पड़ता है। और फिर जब आप किसी ऐसे इवेंट पर जा रहे होते हैं ना, मेहंदी वाले पे, तो फिर सब लोग जो है करीब करीब बैठे होते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा बंदा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, क्योंकि सबके प्राइवेसी इशू होते हैं। तो इसलिए इतना ज़्यादा मैंने आज व्लॉग बनाया भी नहीं था। और बस अभी तो मैंने मेकअप भी नहीं आ रहा है, अभी तो मैं मेकअप उतारने की भी ना हिम्मत इकट्ठी कर रही हूँ, जो मेरी मत मरी हुई है ना। बस अभी मेकअप भी उतारूंगी, अच्छे से मुंह को वॉश करूंगी, मेकअप उतारूंगी, उसके बाद कपड़े भी चेंज करूंगी। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, बस कपड़े चेंज करेंगे और उसके बाद ही हम लोग सो जाएंगे। तो बस यही आज का ब्लॉग था। तो बस चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।